नमस्कार स्वागत आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर 10 पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज के इस सत्र में उर्दू के कक्षा दसवीं के विद्यार्थियों छात्रों के लिए हम लेकर आए हैं एक नज़्म जो जोश मलिहाबादी की है नाम आपने सुना होगा राइटर का और बहुत सारी नजमें पढ़ी होंगी और पहले भी पढ़ा होगा इनके बारे में और ये जो पाठ है इसे पढ़ाने के लिए हमारे साथ आज के एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं उनका परिचय आप सभी से करवाते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर ग़जाला परवीन जो कि रिटायर्ड टीजीटी उर्दू है मैम आपका बहुत बहुत स्वागत बहुत शुक्रिया आपका भी जी और दर्शकों जैसा कि आप जानते हैं ई विद्या के साथ आप ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं तो देखिए एन सी ई विद्या क्लास टेन चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइव और लाइव सेशन के दौरान ही कुछ आपके मन में सवाल हैं तो उसको हम तक ज़रूर लिखिए और इसके अलावा आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हैं फ़ोन नंबर है डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर जीरो डबल फाइव नाइन और ईमेल एड्रेस पर भी अपनी प्रतिक्रिया या अपने जो आ, सवाल हैं उनको आप लिख सकते हैं ई एड्रेस है डी टी क्योंकि ये जो पाठ है ये लैंग्वेज का है भाषा का है तो भाषा हमेशा दो पार्ट में दो भागों में विभाजित होती है पाठक विद्यार्थियों के लिए छात्रों के लिए तालिबात के लिए और तलबा के लिए तो ये जो पार्ट है इसमें जो व्याकरण का पार्ट होगा उसे भी कवर किया जाएगा और साहित्य का भी पार्ट कवर होगा तो सबसे पहले मैम से मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या पढ़ेंगे आज छात्र जो है चाहे व्याकरण की बात करें या नज्म की बात करें हम आज नज्म पढ़ेंगे जोश मल्याबादी की नज्म गर्मी और देहाती बाजार जी जो दर्जा दसवीं क्लास की नवाए उर्दू की किताब से है सबक ये। और इसमें हम देखेंगे कि इसमें कवायद का भी कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं वो भी बच्चों से हम बात करेंगे और सभी जो तलबा तलिबात हैं दसवीं क्लास के उनका बहुत खैर मकदम है हमारी आज के इस क्लास में तो आज हम पढ़ेंगे जो जोश वल्लेबादी की नज़म है गर्मी और देहाती बाजार जी तो सबसे पहले मैम मैं ये चाहूँगा क्योंकि जो तलिबात और तलबा हैं इनको छात्र जो राइटर हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हो जी जाए जी ज़रूर देखिए जोश मल वादी जो हैं किसी तारुफ़ के तो मताज नहीं हैं लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा इनके बारे में इनका तारुफ करा देते हैं कि जोश का जो नाम था वो शब्बीर हसन ख़ान था और इनका जो तखलस था जोश था जैसे कि आपने पढ़ा होगा इनके नाम के आगे आपने देखा कि मलियाबादी नाम है तो इनका जो वतन था वो मलियाबाद था वे पैदाइश इनकी लखनऊ हुई थी इल्म और अदब की रिवायत और ख़ानदान में बुज़ुर्गों से चली आ रही थी जोश की तालीम और तरबियत जो थी इब्तदाई घर पर ही हुई अर अरबी और फारसी के इनमें बहुत अच्छा ज़्यादा मालूम थी इसके बाद लखनऊ सीतापुर आगरा और अलीगढ़ में इन्होंने तालीम हासिल की और उन्नीस सौ सोलह में वो अपने वालिद के इंतकाल के बाद कलकत्ता आ गए और यहीं पर उनकी मुलाकात रबिंद्राथ टैगोर से हुई टैगोर की शख्सियत और शायरी दोनों ने जोश को बहुत मुतासर किया और यहाँ पर जो थे वो दार तर्जुमा के नाज़िर अदब के जो थे थेदे पर मुलाज़िम हो गए और उन्नीस सौ चौंतीस में दहली आ गए जहाँ उनके कई शेरी मजमू शायर शाये हुए और कलम के उनवान से उन्होंने एक रिसाला भी जारी किया इसके बाद वो पूना जो है एक फ़िल्म की कंपनी मुलाजिम हो गए और आज़ाद के बाद जो था हुकूमत हिंद ने जो एक रिसाला निकाला आजकल उसके दिल्ली में मुदीर हुए मुक्र उन्नीस में उन्हें पद्म भूषण के एराज से भी नवाज़ा गया और उनका जो इंतक़ाल था वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ उनकी बहुत सारी नज़में जो हैं जोश को जो है कहा जाता है कि हमारे जैसे आप देख रहे होंगे कि जोश मल्या जो थे एक इंतहाई कादर कलाम शायर थे और उनका पहला मजमू रूह अदब के नाम से शाये हुआ उसके बाद कई उनके मजमू आम पर आए और उनका जो है आखिरी जो शेरी कारनामा जो नामुकम्मल जो तवील नज़म है हरफ आखिर है और नसर में उनकी एक किताब बहुत मशहूर हुई मरूफ हुई जो कि उनकी आप बीती है यादों की बारात बहुत खूबसूरत किताब है उनकी और उसमें उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान की जो तारीख़ है वो रकम की है जोश ने गज़लें और रुबाइयाँ भी कही हैं लेकिन वो बुनियादी तौर पर नज़म के शायर हैं इब्तदा में जो उनके नजमों का मौजू था वो फितरत की तस्वीर कशी था जिसकी वजह से उन्हें शायर फ़ितरत भी कहा जाता है और तहरीक आज़ादी के जेर असर जब उन्होंने हुबुलवतनी के गीत गाए और सियासी जो मसाइल थे उनको अपना मौजू बनाया और अपने वलवला अंगेज लबो लहजे की वजह से शायर इनकलाब भी कहलाए जी तो दसवीं की जमात के जो तलबा हैं उनको नज़म के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हो जाती है लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा नज़म के बारे में बताएं उसका जो तरीका है किस तरीके से अच्छा, उसे नज़म मतलब आपका महफूम यही कि, कि बच्चों को ये बताएं कि नज़म किसे कहते हैं किसे कहते हैं नज़म क्या है जी तो देखिए ना जैसे हर जो भी हमारा अदब है उसके दो पार्ट होते हैं एक नसर और एक नज़्म जैसे 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 हम हिंदी में गादो पद इंग्लिश में प्रोज एंड पोट्री इसी तरह उर्दू में भी उर्दू अदब के दो हिस्से हैं एक नसर और एक नज्म ठीक है तो अगर हम उसको वसी मफह में देखें तो ये जो लफ्ज़ है नसर के मदे मुकाबल बोला जाता है कि नसर और नज़्म जी ठीक है तो इससे मुराद वो पूरी शायरी है जो नसर नहीं है जी है ना नज़म है जी जी अब ये नज़म जो है अगर हम वैसे देखें उसको वसी मफोम में तो नज़म शायरी की उस सिंफ़ को कहते हैं जिसमें एक ही मौजू पर तसल्सल के साथ इजहार ख्याल किया जाए जो गुफ्तु की जाए और एक ही तजुर्बे का बयान हो और नज्म की जो सबसे बड़ी जो खूबी है वो है इसकी मौसीकियत मौसीक़ीयत होती है इसमें और इसकी एक खूबी वहदत भी है जी कि किसी भी नज़म में सिर्फ़ एक ही चीज़ का बयान होगा जो भी टॉपिक होगा जो भी वनवान होगा उसमें सिर्फ जो भी होगा बस एक ही चीज़ पर बात होगी जी चाहे वो और, लंबी है या छोटी हाँ, हाँ वो तो आपकी मर्ज़ी है वो अभी बताऊंगी कि इसकी कौन कौन से कस्ब होती हैं मतलब आम तौर पे नज़म का कोई ना कोई जो है उनवान ज़रूर होता है और उसके में कोई भी मौजूद की कैद नहीं है किसी भी मौजू पर नज़म कही जा सकती है लिखी जा सकती है जी। कोई भी जो भी आपकी मर्जी चाहे जिस मौजू पर भी उसको आप लिख सकते हैं मतलब संजीदा से संजीदा और हल्के से हल्के हाँ, भी विजा हाँ। वाले भी लिख सकते, लिख सकते हैं, हैं कोई हैं। भी हो अब नज़्म की बहुत सारी इकसाम है इसमें आपके सबसे पहले जो सबसे मकबूल और मरूफ है वो है गज़ल आपने बहुत सुनी होंगी पढ़ी भी होंगी गज़लें मतलब मरसिया कसीदा नात हम मनकबत रुबाई बहुत सारी इसमें जो है इसकी इकसाम है जो इसमें शामिल है जी। और हैत के अतबार से जो है नज़म की चार किस्में हैं जो इसकी बनावट है उसके एतबार से इसकी चार किस्में हैं सबसे पहली जो है पाबंद नज्म पाबंद नज़्म कौन है पाबंद नजम उसे कहते हैं हम वो नज़म है जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफियों की तरकीब में तरतीब में मुकर असूलों की पाबंदी की गई हो वो नज्म है जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़िए दोनों में तरतीबाइ हो उसके मुकर ओसूलों की पाबंदी की गई हो इसको कहते हैं पाबंद नज्म दूसरी नज़्म जो है इसकी कस्म है नजम मुर्रा वो नज्म है जिसके तमाम मिसरे बराबर के होंगे मगर उनमें काफ़िए की पाबंदी ना हो मिसरे तो बराबर हैं लेकिन काफी की पाबंदी नहीं है तीसरी तरह की जो नजम है वह है आजाद नजम आजाद नज्म एक ऐसी नजम है जिसमें काफिए और लदीफ की पाबंदी नहीं होती और उसके अरकान बहर में कमी बेशी हो सकती है जो अरकान बहर हैं उसमें भी कमी बेशी हो सकती है छोटी भी हो सकती है लाइन बहर बड़ी भी हो सकती है और इसकी वजह से इसके मिसरे छोटे बड़े हो जाते हैं इसमें कोई पाबंदी नहीं है जी जी इसको आज़ाद नज्म हम कहते हैं और चौथी और आखिरी जो इसकी नज्म के कस्म है वह है नसरी नज्म ये नज्म छोट ये नज्म जो है छोटी बड़ी सतरों पर मुश्तमिल होती है और इसमें ना तो रदीफ़ व़ाबिये की पाबंदी होती है और ना बहर और वज़न की जी। तो ये नज़म का छोटा सा तारुफ था जो हमारे जो तलबा तलबात हैं उनके लिए बस हमें यह समझना है कि नज़म में जो है किसी भी मौजू को लेकर तसलसल के साथ गुफ्तु होती है और उसमें जो है कोई भी मौजू हो सकता है कोई भी उसका उनवान रख सकते हैं वो शायर की अपनी मर्ज़ी है और उसमें कुछ ऐसा उसको इस तरीके से इतनी खूबसूरती से परोया जाए कि उसमें मौसीक़ीयत पैदा हो जाए और नज़म का लकबी माने भी है मोती की लड़ी में पिरोना क्या है जैसे मोती हैं हम एक दूसरे माला बनाते हैं एक दूसरे के साथ पिरोते हैं तो में भी कोई भी अगर चीज़ इधर से उधर हो जाए तसलसल तो ना रहे तो वो नज्म नहीं रहे तो आज जो नज्में पढ़ने जा रहे हैं हमारे तलबा जी वो ये जो चार किस्में आपने बताई उसमें से कौन सी किस्म की नज्म ये, ये? नज्म जो है हमारी पाबंद नज्म पाबंद नज्म है तो इसे गजल फॉर्म में करना आसान रहता है नहीं गजल गजल से इसका कोई माने नहीं है लेना देना नहीं है ये नज्म है ये पाबंद नज्म है क्योंकि हम जो पांद नज्म हमने पढ़ा कि बहर में के इस्तेमाल और काफियों की तरकीब जो है तरतीब जो है वो मुक्रा उसूलों पर की गई है इसमें पाबंदी तो अभी हम पढ़ेंगे जैसे अभी हम देख रहे हैं ये मेरे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है दोपहर बाजार दुकान गाँव की खलकत का शोर खून की प्यासी शुआएं रू फरसा लू का जोर अब आपने देखा शोर और जोर जी अब नीचे वाले हम देखते हैं उसमें देखिए आग के रो कारोबार जिंदगी का पेचौताओ तुंद शोले सुर्ख जर्रे गर्म झोंके आफ्ताब ताप और आफ्ताब जी तो ये नज्म जो है पाबंद नज्म है बिल्कुल इसका बहुत अच्छा नमूना है और इसमें मौसीक़ीत भी देख लीजिए अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पढ़ के सुना अरे बहुत अच्छा लगेगा बिल्कुल चलिए तो मैं इसकी बुलंद खानी करके दिखाती हूँ ये नज़म है गर्मी और देहाती बाज़ार तो इसमें आप आप देखें कि शायर ने कितना खूबसूरत मंजर देहाती बाज़ार आपने भी कभी देखा हो हाट वाट लगी हुई गाँव में जी, देखी होगी जी, आपने कि किस तरह वहाँ पर टेंट लगे होते हैं खेमे लगे होते हैं जानवर बिकते होते हैं कहीं जलेबियाँ बन रही हैं कहीं पे चने सिक रहे हैं भुन रहे हैं कहीं बर्तन बिक रहे हैं जो भी, भी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरत का सामान होता है तो बाजार में हाट में हम लोग खरीदते हैं और, और वो अब... भी जो दृश्य है विजुअलाइजेशन है वो गर्मी का है गर्मी का है लू चल रही और है और अभी आपने कुछ दिन पहले दिल्ली में भी देखा हमारे अपने पूरे हिंदुस्तान में कितनी इधर शदीद गर्मी पड़ रही थी सभी इंसान चरण परन सभी परेशान थे तो उसी का बिल्कुल एक मंजर कशी इस नज्म में की गई है जो अभी हमारी दस पंद्रह दिन पहले गर्मी पड़ रही थी तो दोपहर बाजार दुकान गांव की खलकत का शोर खून की प्यासी शुआँ रू फरसा लू का ज़ोर आग की रो कारोबार ज़िंदगी का पेचोताओ तुंद शोले सुर्ख जर्रे गरम झोंके आफताब शोर हलचल गलगला अब इसमें देखिए लफ्ज़ कितने खूबसूरत हैं शोर हलचल गलगला हिजान लू गर्मी गुबार बैल घोड़े बकरियाँ भेड़े, कतार अंदर कतार मक्खियों की भनवानाहट गुड़ की बू मिर्चों की धास, ये बिल्कुल नक्शा खिंचा हुआ है गांव के जो हाट है उसका मक्खियों की भनवानाहट गुड़ की लू मिर्चों की धास खरबूजे आलू खली गेहूँ कद्दू तरबूज घास धूप शिद, की शिद्दत हवा की ओर से गर्मी की रो कमलियों पर सुर्ख चावल टाट के टुकड़ों पे जाओ गर्म जर्रों के शदायत, झक्कड़ों की सख्तियाँ छकड़ों में खांसते हुए बूढ़ों के चिल बूढ़ों की चिल, चिलमों का धुआं, माओ के कंधे पे बच्चे गर्दने डाले हुए भूख की आँखों के तारे प्यास के पाले हुए बामो दर लरजे हुए खुशीद के आफ़ास से हर नफ्स एक आँच सी उठती हुई जर्रात से मर्द जन गर्दिश में चीलों की सदा सुनते हुए चिलचिलाती धूप की रौ में चने भुनते हुए यू शुआए साए अजार से छनती हुई मियान से मौसम की तेरे बेअमां निकली हुई लू के मारे बाम उदर की रू घबराई हुई दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी छाई हुई आसमां पर अब्र के भटके हुए टुकड़ों का रंग नशे में मुमसिक का जैसे वाद जूदो करम हर रविश पर चिड़चिड़ापन हर सदा में बेरुखी हर जिगर भुनता हुआ हर खोपड़ी पकती हुई सर पे काफिर धूप जैसे रू पर अक्स गुना तेज किरने जैसे बूढ़े सूत खुआरों की निगाह तो ये अभी आपने देखा बहुत सुंदर नज्म और इस, इस, इस इसके माध्यम से जो गर्मी के मौसम का बाजार है देहाती बाजार उसका बिल्कुल फिल्मांकन एक तरह से होता हुआ नजर है। है, हमारे आंखों के सामने एक पूरा मंजर मंजर खिंच गया कि क्या गया। क्या हो रहा है गर्मी में जो है जो गांव का बाजार है जो देहात का बाजार है उसमें क्या क्या हो रहा है जी तो इसमें देखिए अब जब इसको हम पढ़ रहे हैं तो इसमें एक जैसे कहते हैं लय सी निकल रही है मौसियत निकल रही है पता चल रही है तो नज्म की एक बहुत बड़ी खूबी है और जोश के पास जख़ीर अल्फाज बहुत था तो इसलिए उनके लफ्ज़ों में भी बड़ी खूबसूरती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी एक बड़े राइटर के लिए कि वो ऐसे शब्दों ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करें जो कि एक तरह से मकबूलियत जिसकी ज़्यादा हो हाँ जिसे ज़्यादातर आवाम समझ सके हाँ तो ये देखिए आपने बिल्कुल आपने देखा अभी हमारे दस पंद्रह दिन पहले जो गर्मी की एक कैफियत थी बिल्कुल इसमें वो मालूम हो रही है हमें कहीं से भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लग रही है जो हमें कुछ अलग से दिखाई दे बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमने अभी अभी महसूस की है जी बिल्कुल अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो अब ये कह रहे हैं कि दोपहर का वक्त है बहुत आसान इसकी वो है देखो बाजारें हैं बाजार लगा हुआ है बाज़ार में दुकानें हैं और गांव में जो लोग हैं जो भीड़ भाड़ है उसका शोर मच रहा है कह रहे हैं कि जो जो सूरज की शुआएं हैं जो किरणें हैं वो क्या ऐसी लग रही हैं कि इंसान के खून की प्यासी भर इतनी ज़्यादा गर्मी है जो अंदर तक इंसान को जो है उसकी रूह तक जो है वो गर्म कर दे रही है कह रहे कि ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आग ही आग है कारोबार ज़िंदगी का जो पेचोताव है वो कैसे लग रहा है तुंद शोले सुर्ख जर्रे गर्म झोंके आफ्ताब कितने तेज तेज़ शोले हैं जो जर्रात हैं ज़मीन भी देखना आपने तब जाती है बिल्कुल पैर रखो तो ऐसा लगेगा कि जल, जल हो रहा हो जी। और क्या क्या हो रहा है बाजार में शोर हलचल गलगला जान लू गर्मी गुबार देखा है कि बाज़ार में खूब खूब शोर होता है कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं आ रहा है कोई सामान खरीद रहा है कोई आवाज़ें लगा रहे हैं जो खानचे वाले होते हैं आवाज़ें लगाते हैं तो कह रहे हैं इसी के साथ साथ जो बैल हैं घोड़े हैं बकरियां हैं भीड़े हैं वो भी कतार अंदर कतार खड़ी हुई है और वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं मतलब इंसान तो इंसान जानवर भी बहुत परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से और देखा होगा आपने देहात के बाजार में जैसे खुली हुई मिठाइयाँ रखी होती हैं आपने जलेबियाँ बन रही हैं या लड्डू रखे हैं या नुकतियाँ रखी हुई हैं है। तो उसी को शायद लेगा मक्खियों की बनबड़ाहट गुड़ की बू मिर्चों की धास <laughs> <laughs> कहीं कहीं मक्खियों की बनबड़ाहट की आवाज आ रही है गुड़ की बू आ रही है कहीं कहीं आपने देखा गुड़ भी बिकता है वहाँ महकता है और मिर्चों की धास कहीं मसाले बिक रहे हैं तो एकदम से हमें छीके आने लगती हैं तो कह रहे हैं खरबूजे भी हैं आलू भी हैं खली है गेहूं हैं कद्दू तरबूज घास अब जब जानवर आए हैं तो घास भी बिक रही है बाजार में बिल्कुल और जो रोज़मर्रा के फल फ्रूट हैं वो भी बिक रहे हैं तो कह रहे हैं कि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है और हवा में इतनी गर्मी है कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए वो हर आदमी ये सोचता है कि जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके हम बाज़ार से वापस अपने घर जाए कह रहे हैं कमलियों पर खुशुर्ख चावल टाट के टुकड़ों पे जाओ कहीं चावल पड़े आपने देखा ज़मीन पे ऐसे बिछा के कहीं कहीं वो टाट के बोरे बिछा के गेहूँ आटा या जौ जो, जो भी है सब्जियाँ वग़ैरह रख देते हैं और कह रहे हैं कि गर्म ज़र्रों के शदायद झक्कड़ों की सख्तियाँ जो शदायद जो है शदीद की जमा शदीद बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और कह रहे हैं जो कहते हैं जो गर्म हवा चलती है उसके जी। और इसी में कह रहे हैं कि जो बूढ़े लोग हैं गाँव के वो अपने चिलमों से धुआं पी रहे हैं तो और उनको खांसी उठ रही है उसको चिलम पीने से खांसी भी उठ रही है तो कह रहे हैं उसी में उनकी खांसने की भी आवाज़ आ रही है बच्चे जो हैं माएँ अपने कंधों पर आपने देखा छोटे चोड़ छोटे बच्चों को माएँ बाजार ले जाती हैं तो कंधों पर सर रख लेते हैं तो कह रहे हैं बच्चे के जो हैं माँ के कंधों पर गर्मी की शिद्दत से सर डाले हुए हैं और कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मुफलिसी है गांव में भूख की आंखों के तारे प्यास के पाले हुए बहुत ही उन्होंने ग़ुर्बत की हालत में उन बच्चों को पाला है कह रहे बाम वर जो हैं वो कैसे लड़जे हुए हैं खुर्शीद के अफाव से सूरज की इतनी तेज़ी है कि पूरे दर दीवार जो हैं दरवाज़े हैं सब जो हैं ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आग मालूम हो रहा है कह रहे हर नफ़ से हर सांस से एक ऐसा लग रहा है कि आँच उठती हुई है ज़र्रात से भी आँच उठ रही है जैसे चारों तरफ गर्म ही गर्म हो रहा है सब कुछ और कह रहे हैं कि मर्द वजन मतलब औरत और मर्द जो है गर्दिश जो आस पास आपने देखा है गर्मी में जो बहुत तेज़ धूप होती है और बहुत सूरज जो है अपने उस पर होता है पीक पर होता है तो चीले जो हैं उड़ना शुरू हो जाती हैं और उनकी कुछ आवाज़ें से निकलती हैं तो कह रहे हैं मर्द ओजन जो हैं इतनी सख्त गर्मी में चीलों की आवाज़ें सुन रहे हैं सदाएँ सुन रहे हैं और इसी तिल तिलाती धूप में कहीं कहीं चने भी भुन रहे हैं वहाँ पर बाजार लगा हुआ है और कहते रहे कहीं कहीं जो साया है दरख्तों का अशजार जो है शजर की जमा है शजर कहते पेड़ पौधे पौधों को आ, पेड़ों को तो कह रहे उसमें से कहीं कहीं धूप की शुआँ छन रही हैं कहीं कहीं साया हो रहा है कहीं धुआ पे और मौसम से वो जो कि उसकी धूप की जो वो शिद्दत है वो ऐसा लग रही है जैसे कोई भी तलवार जो है वो बाहर निकल गई है अपनी उसमें से एक जो है वो बयान में से बाहर निकल गई तलवार और भाई सबको काट देगी मार देगी मतलब गर्मी जो है किसी को नहीं छोड़ेगी आज कह रहे हैं कि लू के मारे बाम उधर की रू घबराई हुई दोस्तों की शक्ल पर भी है बेगानगी छाई हुई कह रहे हैं कि लू की वजह से जो दरो दीवार हैं उनका ऐसा लग रहा है इतने ज़्यादा तबगा और दोस्त भी हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं गर्मी की वजह से बस चलो रस्मी बातचीत हुई दुआ सलाम कि जल्द से जल्द हम अपना काम ख़त्म करके और अपने घर वापस जाएँ तो कह रहे हैं आसमा पर अब्र के भटके हुए टुकड़ों का रम नशे में का जैसे वादे जूदोक्रम कह रहे हैं, जो आसमान पर कहीं कहीं अब्र के टुकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं बादलों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं उ, उनके हालत किस तरह हैं जैसे नशे में कोई जो नशेड़ी होता है ना कोई वादा कर लेता है आपको इनाम इकराम देने का और फिर जब नशा उतरता है तो वो भूल जाता है कि हमने क्या वादा किया था जी। तो इसी तरह ये जो आसमान पे अभ्र के टुकड़े हैं जो वो बादलों के वो ऐसे आ रहे हैं और जा रहे हैं मतलब बरस नहीं रहे हैं कह रहे हर रविश पर चिड़चिड़ा पन रहे हर सदा में जो है बेरुखी है क्यों क्योंकि हर आदमी इस गर्मी से बचना चाह रहा है कि मतलब जल्द से जल्द अपना काम करके हम वापस जाए हर जगह हर जिगर भुनता हुआ हर खोपड़ी पकती हुई कह रहे ऐसा लग रहा है कि जिगर जो है उसमें आग हो गई है सर जो है पकना खोपड़ी में बहुत गर्म हो गई है हमारी और कह रहे सर पे काफिर धूप जैसे रू पर अक्स गुना तेज़ किन्ने जैसे बूढ़े सूत खुआारो किने का कह रहे जो सर पे जो ये धूप है इतनी तेज़ ये कैसे लग रहे हैं कि जैसे किसी कोई जो बहुत नेक आदमी है उसके सर पर कोई गुना का अक्स पड़ गया हो मतलब तो उससे जगह तिल मिला जाता है ना जैसे कोई बहुत नेक इंसान है और उससे कोई गुना सर दर्द हो गया हो जी। तो उसकी उसमें ना उसको बहुत ज़्यादा पेशमानी होती है तो कह रहे ऐसी लग रही है धूप मालूम हो रही है इस यहाँ पर जो ये नज़्म है इसमें शायर ने बहुत खूबसूरत तजबीत का भी इस्तेमाल किया है जैसे आपने कहा ना जैसे सर पे काफिर धूप जैसे रूप पर अक्स गुना तेज़ किरने जैसे बूढ़े सूद ख़ुआरों की निगाह कह रहे सूरज की जो तेज़ किरने होती है ना जो सख्त किरने हैं जैसे कोई किसी से हमने पैसा कभी आपने पुराने ज़माने में अब तो बैंक सिस्टम हो गया है पहले हम लोग जो है बनियों से उधार लेते थे पैसा लेते थे तो सूद हमें देना पड़ता था ना तो वो जब वसूलते थे तो उनकी निगाह में कितनी सख्ती होती थी जो जो पैसा लेता था उनसे सूद पर जिससे भी वो वसूलना जा चाहते थे जाते थे तो बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी तो यही स, जो सख्ती है बिल्कुल उसी तरह सूरज की भी जो तेज़ किरणों की सख्ती है ऐसी मालूम हो रही है जैसे सूतखारों की निगाह हो रही है जी तो इसमें जो है शायर ने बहुत ही ख़ूबसूरत तशबीहत का भी इस्तेमाल किया है आम जमान में एक बहुत खूबसूरत नज जो कि हमें देहात के बाज़ार की अक्कासी करती हुई मालूम होती है ये दसवीं क्लास के तलबा व हैं तो इनको मैं चाहूँगी कि सर थोड़ा सा इनके अल्फाज के माने भी बता दूँ बिल्कुल तो खलकत का मतलब होता है आम लोग अल्लाह की मखलूक रू फरसा जो हमारी रूह को बहुत तकलीफ़ पहुँचाए रो बहाव या धार पेचोताव कहते हैं गुस्से की कैफियत और तुंद का मतलब तेज़ गलगला शोर हंगामा ऐान भी उसी के लिए बेचैनी परेशानी तकलीफ़ खरबूजा जो है हर लिखा है इसमें तो ये खरगोजा की जमा है मुराद खरबूजा शदायत जो मैंने आपको बताया बीच में कि शदीद की जमा है सख्तियाँ आफात आफत की जमा मुसीबतें हर नफ्स का मतलब हर सांस, गर्दिश चक्कर तो एक बेअम खुली हुई तलवार जिसके वार से मन बचना मुश्किल हो जैसे उन्होंने कहा ना कि सूरज के कितने ऐसे पड़ रही हैं जैसे तलवार जो है म्यान में से बाहर निकल गई है कि आप किसी को नहीं छोड़ेगी सबको मार देगी बचना किसी के लिए मुश्किल है बचना मुश्किल है तो इसी तरह सूरज की गर्मी से भी सूरज की तपिश से भी और मैं ये सोच रहा था जब आप ये नज्म पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि अगर जो कि उन्नीस और साठ के दशक में संभवतः लिखी गई होगी और आज की डेट में अगर ये लिखते तो आज जो टेम्परेचर जिस लेवल पर जिस तरह से गर्मी बढ़ी है तो इनके शब्द थोड़ा और तीखे होते हाँ हो सकता तो गर्मी है गर्मी को लेकर लेकिन उस हिसाब से भी उस वक्त भी कोई एसी नहीं थे कोई कूलर पंखे हाँ, नहीं थे कुछ नहीं थे जो हमारी जो कुदरती तरीकों से ही हम गर्मी के बचने की तरीके सोचते थे जी तो और गाँवों में तो आज भी बिल्कुल यही कैफियत होती है जो इसमें दिखाया गया है जी जी जो आज आप आज भी बाजार जाएं गांव के हाट वाट में जाएं कहीं पर भी देहात के बाजार में जाएं तो बिल्कुल यही बिल्कुल कैफियत होती है जो इसमें अभी भी आप अक्कासी इसमें की शायर ने बेगानगी कहते हैं बेताल्लुकी क्योंकि जो दोस्त हैं वो भी बाजार में मिल रहे हैं तो बस रस्म दुआ सलाम करके चले जा रहे हैं कोई बातचीत नहीं कर रहे है, क्योंकि गर्मी इतनी तो ज़्यादा है साय अशजार का मतलब दरख्तों का साया, रम दौड़ना भागना मुमसिक कहते कंजूस और वादा जुदो करम इनाम का वादा और रविश तौर तरीका अरे बादल जो है कंजू से दिखा रहे हैं अपनी आ तो रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे हैं किसकी तरह कंजू से दिखा रहे हैं उस शराबी की तरह जो शराब के नशे में वादा तो करता है हाँ मैं तुम्हें बहुत इनाम कराम दूंगा और जब उसे होश आता है तो सब कुछ भूल जाता है तो यही कैफियत इस वक्त हमारे बादलों की हो रही है तो इसमें जो है शायर ने बहुत सारी तजब का इस्तेमाल करा है बहुत खूबसूरत ज़बान तो है ही उसके साथ मौसीकीत भी बहुत ज़्यादा है इस नज़म जी बताइए जी एक प्रश्न यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि नज़म है और कई जो तलबा हैं उनमें क्रिएटिविटी होती है जी जी वो खुद भी लिखना चाहते हैं लेकिन नज्म लिखने के लिए उनको किन मुख्य चीजों का ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा में बताएं क्योंकि अब समय समाप्त होने को है देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि नज्म की जो किस्में चार मेन हैं इसमें हम जो अभी पढ़ रहे थे वो पावन नज्म की बहुत अच्छी एक मिसाल थी जी तो इसमें बहर के इस्तेमाल का रदीफ काफियों की तर, जो तरतीब होती है उसमें मुक्रा की पाबंदी की जाती है लेकिन आज के बच्चे जो हैं आजाद नज्म भी लिख रहे हैं जी बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं तलबा तालिबात जो आज़ाद नजमें भी लिख रहे हैं बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं क्योंकि आजाद नजमें किसी भी काफ़ी और रदीब की पाबंदी नहीं होती है जी और जो भी उनके दिमाग में है जो भी उनके दिल में है जो भी ख्यालात हैं उसको वो आराम से भी कागज़ पर उतार सकते हैं अपने जज्बात को हाँ जज्बात को अपने कागज़ पर उतार सकते हैं तो ये आज़ाद नजम भी लिख सकते हैं और बहुत सारे तलबा तालिबात हमारे ऐसे भी हैं हम लोग पढ़ाते हैं कि जो जो है पावंद नज़्मी बहुत खूबसूरत लिखते हैं जी उनके अंदर है ये चीज़ कि कोई चीज़ हम लिखें या उनके पास ज़ख़ी अल्फाज है या कुछ बच्चों को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे या बड़े भी जो भी ज़्यादा पढ़ेंगे ज़खीर अल्फाज उनके पास उतने ही ज़्यादा होगा जी तो काफ़ी कुछ जानकारी आ, बच्चों को तलबा को मिली होगी आज के इस सेशन से और नज़्म बहुत खूबसूरती से पढ़ा हमारे आज की एक्सपर्ट ने और मुझे लगता है कि जो रुचि है नज्म को लेकर वो तलबात में और बढ़ेगी इस सेशन के माध्यम से और इसी तरह से आप सभी लगातार बने रहिए और जुड़ते रहिए ज्ञान और शिक्षा के तमाम कार्यक्रमों के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तलबा तालिबात के लिए तमाम जानकारियाँ नज़म और राइटर के बारे में देने के लिए और दर्शकों अगला जो सेशन होगा वो साइंस क्लास नाइन्थ क्लास के लिए सोशल साइंस का होगा इसमें फ्रांसीसी क्रांति पर बात होगी तो नाइन्थ क्लास के बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे ई विद्या पर लगातार और अभी फिलहाल इस सत्र को समाप्त करने की मुझे यानी देवेंद्र त्रिपाठी और हमारी एक्सपर्ट को दीजिए अनुमति आप सभी का नमस्कार धन्यवाद